शॉर्टकट और बगैर सोचे समझे उठाया जाने वाला कदम कभी इंसान को सख्त तरीन मुश्किलात में मुबतला कर देता है, और इसमें से एक कर्ज भी है। हमारे मुआशरे में कर्ज लेने की वबा इस कदर आम हो चुकी है कि लोग सोचे समझे बगैर अपनी छोटी और बड़ी जरूरियात और कई मरतबा बगैर किसी प्लानिंग के कारोबार के लिए कर्ज ले लेते हैं। कारोबार क्योंकि प्लानिंग के बगैर शुरू किया गया होता है, लिहाजा इसका भट्टा जल्दी ही बैठ जाता है और आदमी कर्जदारों के हाथों जलीलो रुस्वा होने लग जाता है। कोशिश की जानी चाहिए कि कोई भी कारोबार करने से पहले पूरी प्लानिंग कर ली जाए, और अगर कर्ज उठाना जरूरी ही है तो कोशिश की जाए कि अपनी प्लानिंग में उसकी अदायगी के तरीकाकार को मुनज्जम किया जाए। मगर ऐसे लोग जो कर्ज के चक्कर में पड़ चुके हैं और गर्दन तक उनमें धंसे हुए हैं, उनको चाहिए कि वो मजीद कर्ज लेने से इज्तनाब करते हुए सबसे पहले कर्ज की अदायगी के लिए तरीकाकार वाजिया करें, और साथ ही अल्लाह ताला से नेक नीति के साथ अपने गुनाहों की माफी तलब करते हुए उससे अपनी परेशानी के लिए रुजू करें। कर्ज की दलदल में धंसे अफराद पंजगाना नमाज को अपनाते हुए दुरूद शरीफ का विर्द भी रखें और रोजाना 3 बार अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह 3 बार पढ़ें। इसके साथ अल्लाह सुबहान तआला का इस्म मुबारक या लतीफ़ रोजाना 313 बार पढ़ें। ये औलिया का मामूल रहा है कि वो इस इस्म मुबारका का विर्द कसरत से करते थे। इस इस्म मुबारका का विर्द करने वाला सख्त तरीन मुश्किलात से निजात हासिल कर लेता है। औलिया कराम ने इस विर्द की बदौलत सलूक की बहुत से मनाजल भी तय किए। ये इस्म मुबारका रब ताला के लुत्फ व करम हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।